लेकिन आज आप रियल्टी कंपनीज पर नजर रखकर चले, खासतौर पर डीएलएफ पर, क्योंकि खबर काफी इंपॉर्टेंट है। और खबर यह है कि आज सेबी की बोर्ड बैठक है और ऐसा माना जा रहा है कि आज की बोर्ड बैठक में जो रेट्स हैं उनको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो मौजूदा रेगुलेशंस हैं उनको रिलैक्स किया जा सकता है। और बस तो ये भी है कि सेबी शायद जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में रेट्स को 20% तक का इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन भी दे सकती है। और अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली एक बड़ी खबर होगी उन रियल्टी कंपनीज के लिए जिनके रेट्स हैं, जैसे कि डीएलएफ। डीएलएफ पर आप फोकस कर सकते हैं इस खबर के पर्सपेक्टिव्स। और डीएलएफ ने, हमने देखा भी कि बीते 1.5-2 महीने में रियल्टी स्पेस में से उन चुनिंदा स्टॉक्स में से रहा है जिन्होंने एक अच्छा बाउंस बैक दिया है। किरण, कोई लॉन्ग ट्रेड लेना चाहेंगे आज डीएलएफ पर? डीएलएफ की बात करें तो डीएलएफ में ऐसा कोई संकेत नहीं आ रहा है कि जहां पे इधर बहुत बड़ी अपसाइड मिलेगी। हालांकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, करीबन 138 का रेजिस्टेंस है। अगर 138 के ऊपर चलता है तभी एक इसमें रुझान आपको देखने को मिल जानी चाहिए। करंट लेवल से 138 रेजिस्टेंस जोन है तो मैं अवॉइड की रेटिंग दूंगा इस स्टॉक को। 138 के ऊपर मैं बाय करने की सलाह दूंगा। अगर आज का क्लोज होता है तो सोमवार को बाय करनी होगी, पर आज के लिए कोई ट्रेड नहीं होगा।